हिंदी की तो बहुत ही बड़ी ताकत है। तर्क भाषा हो, इसी नाते मैं हिंदी को अपनी भाषा मानता हूँ। मैं हिंदी बात करती थी अलग अलग देश से लोगों के, मुझे बहुत अच्छा अनुभव हुआ। केरला ऐसा राष्ट्र है कि जहाँ पर हिंदी की अच्छी प्रगति हो रही है। उस भाषा के माध्यम से हम सारे प्रदेश के लोगों से संपर्क कर सकते हैं। एक डोर में सबको जो है बांध दी वह हिंदी है। हर भाषा को सगी बहन जो मानती वह हिंदी है। भरी पूरी हो सभी बोलियां यही कामना हिंदी है। गहरी हो पहचान आपसी यही साधना हिंदी है। सागर में मिलती धाराएं हिंदी सबकी संगम है। शब्द नाद लिपि से भी आगे एक भरोसा अनुपम है। गंगा कावेरी की धारा साथ मिलाती हिंदी है। पूरब पश्चिम कमल पंखुड़ी सेतु बनाती हिंदी है। भाषा आत्मा का वो रक्त है जिसमें विचार प्रवाहित होते और पनपते हैं। जब तक हमारे पास भाषा है तब तक हमारे पास संस्कृति है। जब तक संस्कृति है तब तक हम अपनी भूमि पर बने रहेंगे। भारत एक बहुभाषी देश है। यहाँ कई तरह की भाषाएं और बोलियां बोली जाती हैं। पर हिंदी एक वह भाषा है जो सभी को एक सूत्र में बांधती है। महात्मा गांधी जी कहा करते थे, भारत की एकता एवं आपसी संबंधों को बनाए रखने के लिए हिंदी संजीवनी शक्ति के रूप में काम कर सकती है। गांधी जी की दृष्टि में हिंदी भारत की सामासिक संस्कृति की संवाहिका भाषा है। भारत के महान संतों और विचारकों राजा राम मोहन राय, महर्षि दयानंद सरस्वती, लाला लाजपत राय, रविंद्रनाथ टैगोर, विनोबा भावे, बाल गंगाधर तिलक, सुब्रमण्य भारती, राहुल संकृत्यायन, राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन, पंडित मदन मोहन मालवीय आदि ने देश की सांस्कृतिक एकता की कड़ी के रूप में हिंदी के महत्व और दायित्व को रेखांकित किया और हिंदी को अपनाने की प्रेरणा दी। हिंदी को भारत की सीमाओं से परे दुनिया के अन्य देशों में प्रतिष्ठित करने, विशेष पहचान दिलाने, इसे अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में स्थापित करने और हिंदी साहित्य के प्रचार प्रसार के उद्देश्य से ही विश्व हिंदी सम्मेलन की संकल्पना की गई थी। विश्व हिंदी सम्मेलन हिंदी भाषा का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है। इसमें दुनिया भर से हिंदी के विद्वान, साहित्यकार, विशेषज्ञ और हिंदी प्रेमी जुटते हैं। अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं के मंच पर हिंदी को स्थापित करना मुख्य उद्देश्य था। नमस्ते। नमस्ते। कहिए, क्या हाल है? जी, आपकी कृपा है। मिट्टे, कैसी है? जी, ठीक है। आप बैठे, मैं उसे भेजती हूँ। अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं के मंच पर हिंदी को स्थापित करने, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी के प्रति जागरूकता पैदा करने, विभिन्न क्षेत्रों में हिंदी का विकास करने, हिंदी लेखकों एवं पाठकों को अंतर्राष्ट्रीय मंच प्रदान करने के उद्देश्य से सन 1975 में प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन की संकल्पना को मूर्त रूप दिया गया था। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा के प्रथम कुलपति अशोक वाजपेयी जी ने बताया, संसार में जो सबसे बड़ी भाषाएं हैं उनमें से हिंदी एक है। देखिए, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय पहले विश्व हिंदी सम्मेलन के एक प्रस्ताव के अमल के रूप में स्थापित किया गया।
उसकी स्थापना भारत सरकार ने केंद्रीय विश्वविद्यालय के रूप में 1997 में की और मैं उसका पहला एक तरह से संस्थापक कुलपति बना। परिकल्पना ये थी कि ये विश्वविद्यालय दोनों काम करेगा, वो एक श्रेष्ठ हिंदी में अध्ययन अध्यापन शोध का संस्थान होगा और दूसरा वो हिंदी को एक आधुनिक सक्षम खुली उदार चरित भाषा के रूप में और उसके साहित्य को भी एक बहुलतावादी परंपरा के साक्ष के रूप में हम विश्व के सामने पेश कर सकें। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन सन 1975 में 10 से 14 जनवरी तक नागपुर में आयोजित किया गया था। मानव के इतिहास का यह एक स्वर्णिम दिवस है जब इस प्राचीन ऐतिहासिक नगर में सर्वप्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। आज समूचे देश का भाग्य जाग उठा है। हमें तो ऐसा लगता है कि महामानव की अनंत यात्रा में एक नया मोड़ आया है। राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा के सहयोग से ये ऐतिहासिक आयोजन हुआ। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन की विशेषता ये भी थी कि ये हिंदी तर भाषी प्रदेश महाराष्ट्र में हुआ और इसके आयोजन के पीछे अधिकांश हिंदी तर भाषी लोग ही थे। मैं केवल एक मुख्यमंत्री की हैसियत से आपका स्वागत नहीं कर रहा हूँ और न किसी एक दल या पक्ष विशेष की तरफ से, लेकिन महाराष्ट्र की समूची जनता की तरफ से ये मैं आपका स्वागत कर रहा हूँ। हिंदी सेवी अनंत गोपाल शेवड़े, मधुकर राव चौधरी और ललन प्रसाद व्यास के अथक प्रयासों से प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया गया। पहले विश्व हिंदी सम्मेलन को याद करते हुए नारायण कुमार ने बताया, विश्व हिंदी सम्मेलन की परिकल्पना मॉरिशस के एक वरिष्ठ साहित्यकार सोमदत्त बखौरी ने की थी। जब उनकी एक पुस्तक गंगा की पुकार का विमोचन हो रहा था तो उस समय उन्होंने यह विचार रखा कि संसार के अनेक भाषाओं का सम्मेलन होता है और जब हिंदी भाषा सिर्फ भारत में ही सीमित नहीं है, विश्व के अनेक देशों की भाषा हो चुकी है, तो क्यों नहीं 2 या 3 वर्ष पर विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया जाए। उसके बाद दिनकर जी उनकी एक दूसरी किताब मॉरिशस में हिंदी अंग्रेजी की किताब थी का विमोचन करने गए तो उन्होंने इस प्रस्ताव को फिर रखा और वहाँ से अखिल भारतीय हिंदी संस्था संघ के अध्यक्ष गंगा शरण सिंह, विदेश मंत्रालय के विशेषाधिकारी बच्चू प्रसाद सिंह, दिनकर जी ने लोगों ने यह तय किया कि यह कार्य राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा द्वारा किया जाए क्योंकि ये महात्मा गांधी द्वारा स्थापित संस्था है और जिसकी मान्यता संसार भर में है। तो उनका विदेशों के साथ कुछ संपर्क और संबंध था लेकिन उनका नेतृत्व करने वाला उस समय उस तरह कोई नहीं था। तो उस समय एक अंग्रेजी अखबार के संपादक और भारत के स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लेने वाले मराठी और हिंदी के साहित्यकार अनंत गोपाल शेवड़े ने इसका नेतृत्व संभाला और उस समय मधुकर राव चौधरी जो राष्ट्रभाषा प्रचार समिति के अध्यक्ष थे वे महाराष्ट्र सरकार में मंत्री भी थे। तो एक ऐसा हो गया कि विश्व हिंदी सम्मेलन के लिए जो सुविधाएं चाहिए इसके लिए महाराष्ट्र सरकार से भी सहायता ली जा सकती है। सम्मेलन से संबंधित राष्ट्रीय आयोजन समिति के अध्यक्ष तत्कालीन उपराष्ट्रपति बीडी जत्ती थे। पहले सम्मेलन के बारे में डॉक्टर आशीष कंधवे ने कुछ इस प्रकार अपने विचार व्यक्त किए। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन जैसा कि हम सब जानते हैं वसुधैव कुटुंबकम के मूल सिद्धांत पर आधारित था। हम उत्सव धर्मी लोग हैं, वसुधैव कुटुंबकम भी एक तरह से उत्सव धर्मिता की संक्षिप्त परिभाषा है, तो क्यों ना हम हिंदी के माध्यम से विश्व को एक ऐसी परिकल्पना दें जिसमें सर्व सबका हित हो,
सबका सुख हो, सबका कल्याण हो और भारतीय साहित्य, भारतीय चिंतन, भारतीय भाषाओं का उत्कर्ष हो और हम एक परिवार के रूप में वैश्विक पटल पर हिंदी को स्थापित कर पाएं। अनंत गोपाल शेवड़े वरिष्ठ लेखक और पत्रकार थे। उनकी मातृभाषा मराठी थी। उनके उपन्यास ज्वालामुखी का भारत की 14 भाषाओं में अनुवाद हुआ है। अनंत गोपाल शेवड़े जी ने विश्व हिंदी सम्मेलन के उद्देश्य और वैचारिक पृष्ठभूमि पर प्रकाश डालते हुए कहा था, शताब्दियों से ही नहीं, सहस्त्राब्दियों से भारत के ऋषियों, संतों और कवियों की वाणी ने हमेशा विश्व मानव की कल्पना की है और सारे विश्व को एक परिवार के रूप में देखा है। इस देश के बाहर यदि लोग गए हैं तो प्रेम और मैत्री का संदेश लेकर ही गए हैं, यह बताने के लिए कि संगति और संतुलन ही सृष्टि का नियम है। वही परंपरा आज भारत के सभी साहित्यकारों, विचारकों, कवियों और कलाकारों को अनुप्राणित और अनुप्रेरित करती है कि कैसे मानव अपनी सारी विषमताओं, संकीर्णताओं और विश्वासों से ऊपर उठकर नए शांतिमय, मैत्रीपूर्ण विश्व का निर्माण कर सके। इन्हीं स्वप्नों और आकांक्षाओं की पृष्ठभूमि पर इस सर्वप्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया गया है। मधुकर राव चौधरी जी का कहना था कि हिंदी भाषा के माध्यम से ही भारत को एकता के सूत्र में बांधना संभव होगा। मधुकर राव चौधरी ने छात्र काल से ही हिंदी के प्रचार प्रसार का अभियान शुरू किया। वे महात्मा गांधी द्वारा स्थापित अखिल भारतीय राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा के अध्यक्ष रहे। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन के आयोजन में मधुकर राव चौधरी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लल्लन प्रसाद व्यास का संपूर्ण जीवन आध्यात्म को समर्पित रहा। लल्लन प्रसाद व्यास ने प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन को स्मरण करते हुए प्रवासी भारतीय समाज द्वारा प्रकाशित हिंदी की विश्व यात्रा पत्रिका में अपने लेख में कहा था, जनवरी 1974 में शेवड़े जी ने दिल्ली आकर मुझे एक अत्यंत सुखद सूचना दी कि विनोबा जी और इंदिरा जी की भेंट फलश्रुति विश्व हिंदी सम्मेलन की योजना के रूप में सामने आ रही है, जिस पर प्रधानमंत्री जी ने सहानुभूति पूर्वक विचार करना स्वीकार कर लिया है। सम्मेलन की सफलता पर लल्लन प्रसाद व्यास लिखते हैं, मुझे स्मरण है कि शेवड़े जी ने किसी और प्रसंग में यह विश्वास पूर्वक कहा था, देखिएगा सम्मेलन का सारा वातावरण अभिमंत्रित जैसा होगा। विश्व हिंदी सम्मेलन में जिन लोगों ने भाग लिया उन्होंने स्वयं देखा कि 4 दिन का वह कार्यक्रम सुव्यवस्थित, अनुशासित और सार्थक था। लल्लन प्रसाद व्यास प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन की राष्ट्रीय समिति के सहायक मंत्री थे। डॉक्टर अशोक चक्रधर ने विस्तार पूर्वक बताया, हम हिंदी को क्यों लाना चाहते हैं, क्या स्वार्थ हैं हमारे हिंदी को आगे लाने के। हमारे स्वार्थ हैं अपने देश की अस्मिता को बताना, अपनी संस्कृति से लोगों को परिचित कराना भाषा के माध्यम से, और एक और बहुत महत्वपूर्ण बात कि मानवता की सेवा करना। हिंदी का संवर्धन मानवता की सेवा के लिए हो, यह पहले विश्व हिंदी सम्मेलन का संकल्प था। नागपुर में जहां प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित हुआ था उस स्थल का नाम विश्व हिंदी नगर रखा गया था। विश्व हिंदी नगर को भव्य रूप से सजाया संवारा गया। कई प्रवेश द्वार बनाए गए। प्रवेश द्वारों के नाम गोस्वामी तुलसीदास, मीराबाई, सूरदास, कबीरदास, नामदेव और रैदास के नाम पर रखे गए। विश्व हिंदी नगर में सुबह से ही प्रतिनिधियों और दर्शकों की भीड़ दिखाई देने लगी। प्रतिनिधिगण सम्मेलन के स्वागत पटल पर पंजीकरण कराने तथा सम्मेलन से संबंधित सामग्री लेने के लिए
लंबी कतारों में खड़े थे। अतिथियों के स्वागत में हवाई अड्डे से राजभवन तक के मार्ग को अनेक द्वारों से सजाया गया। राजभवन में विभिन्न प्रदेशों की महिलाओं ने स्थानीय परिधानों में शंख, कलश और आरती के द्वारा अतिथियों का स्वागत किया। राजभवन में विश्व हिंदी सम्मेलन की स्मृति में एक विशेष डाक टिकट जारी किया गया। इस डाक टिकट को मॉरिशस के प्रधानमंत्री सर शिव सागर राम गुलाम, महाराष्ट्र के राज्यपाल अलियावर जंग तथा सम्मेलन के महासचिव अनंत गोपाल शेवड़े को भेंट किया गया। दोपहर बाद भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी, मॉरिशस के प्रधानमंत्री सर शिव सागर राम गुलाम तथा अन्य सम्मानित अतिथियों का विश्व हिंदी नगर में आगमन हुआ। संत कबीर द्वार पर अतिथियों का भव्य स्वागत किया गया। सम्मेलन में आए अतिथियों के आवासों के नाम विश्व संगम, मित्र निकेतन और विद्या विहार आदि रखे गए थे। सम्मेलन का उद्घाटन भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने किया। इस अवसर को ऐतिहासिक बताते हुए श्रीमती इंदिरा गांधी ने कहा था, हिंदी विश्व की महान भाषाओं में से एक है। ये करोड़ों की मातृभाषा है और करोड़ों लोग ऐसे हैं जो दूसरी भाषा के रूप में इसे बोलते हैं। गंगा जमुना के निकटवर्ती प्रदेशों में विकसित होकर इस भाषा का प्रयोग भारत के सुदूरवर्ती भागों तक प्रचलित है। इसका स्वर उन देशों में भी सुना जा सकता है जहां हमारे देश के लोग कई पीढ़ियों पहले गए, और विदेशों के विश्वविद्यालयों में भी जहां विद्वान लोग हिंदी का अध्ययन अध्यापन करते हैं। श्रीमती इंदिरा गांधी ने कहा था कि सभी भाषाएं भारत की सांस्कृतिक परंपरा की समान उत्तराधिकारी हैं। हिंदी भारत की राष्ट्रीय संपर्क भाषा है, जिसे कॉमन लैंग्वेज के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। सम्मेलन में प्रधानमंत्री के भाषण के बाद वयोवृद्ध गांधीवादी दार्शनिक एवं लेखक आचार्य काका साहेब कालेलकर ने हिंदी भाषा के सेवा धर्म को रेखांकित करते हुए कहा था, हम सबका धर्म सेवा धर्म है और हिंदी इस सेवा का माध्यम है। हमने हिंदी के माध्यम से आजादी से पहले और आजाद होने के बाद भी समूचे राष्ट्र की सेवा की है, और अब इसी हिंदी के माध्यम से विश्व की सारी मानवता की सेवा करने की ओर अग्रसर हैं। आजादी की अहिंसात्मक लड़ाई लड़ने वाली ये भाषा सारे संसार को आजादी का संदेश दे सकती है, और संयुक्त राष्ट्र संघ जैसे संगठनों में 42 करोड़ लोगों की आवाज पहुंचेगी तो विश्व शांति की ओर, अहिंसा प्रधान मानव व्यवस्था की ओर, शोषण रहित समाज की ओर तथा समस्त विश्व के बीच एक पारिवारिक स्नेह संबंध की ओर आगे बढ़ेगा, इसमें कोई शक नहीं। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन में मुख्य अतिथि तथा उद्घाटन समारोह के अध्यक्ष मॉरिशस के प्रधानमंत्री सर शिव सागर राम गुलाम ने अपने भाषण में कहा था, उन्होंने कहा, भारत और दूसरे देशों के लिए जो इस सम्मेलन में भाग ले रहे हैं, यह एक ऐतिहासिक दिन है। उन्होंने कहा, हमें इस बात का गर्व है कि जैसा 20वीं सदी के शुरू में भारत में सामाजिक जागरण हुआ, उसकी रोशनी मॉरिशस में भी पहुंची। स्वामी दयानंद ने वेदों के आधार पर आर्य समाज की स्थापना की, और यह आंदोलन 1920 में मॉरिशस में हुआ। हिंदी के अंतर्राष्ट्रीय महत्व को स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा, हमारे लिए इस बात का अधिक महत्व है कि यह एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है
आज हिंदी अनेक देशों में बोली जाती है। अनेक देशों में हिंदी की पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित होती हैं। बोलने वालों की संख्या को देखते हुए आज हिंदी विश्व की चार प्रमुख भाषाओं में से एक है। सम्मेलन में यूनेस्को का प्रतिनिधित्व अशर डिल्लियोन ने किया। उन्होंने अपने भाषण में कहा कि यूनेस्को जैसी विश्व व्यापक संस्था के लिए इस सम्मेलन का महत्व केवल सांस्कृतिक उत्थान, शैक्षिक पुनर्जागरण और वैज्ञानिक विकास ही नहीं, वरन सारे राष्ट्रों के राष्ट्रीय विकास के दृष्टिकोण के प्रतीक के रूप में है। वसुधैव कुटुंबकम की हमारी संस्कृति को पूरी दुनिया से अवगत कराना भी विश्व हिंदी सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य है। तभी तो प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन का बोध वाक्य था वसुधैव कुटुंबकम, और सम्मेलन का विषय था हिंदी की अंतरराष्ट्रीय स्थिति। राष्ट्रीय भाषा प्रचार समिति वर्धा की ओर से उसके अध्यक्ष मधुकर राव चौधरी ने अतिथियों के प्रति आभार प्रकट करते हुए कहा था, इस सम्मेलन के कारण देश में सद्भावना पूर्ण वातावरण बना हुआ है और भाषाई सौहार्द और मैत्री का एक नया युग उदय हो रहा है। प्रख्यात विद्वान डॉ. कर्ण सिंह ने विश्व हिंदी सम्मेलन की राष्ट्रीय समिति की ओर से अतिथियों का आभार प्रकट करते हुए कहा था, हिंदी जो भारत में जन्मी, पली और पनपी, मात्र भारतीय भाषा नहीं अंतरराष्ट्रीय भाषा भी है। इस तथ्य की पुष्टि आज यहाँ हो रही है। उन्होंने हिंदी को संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषा बनाने का प्रस्ताव सम्मेलन के विचारार्थ सुझाया और कहा, करोड़ों व्यक्तियों की यह भाषा विश्व भाषा के रूप में आए, इसके लिए मैं मांग करूंगा कि यूनेस्को में जहां अन्य भाषाओं को स्थान मिला है, वहां हिंदी को भी अंतरराष्ट्रीय भाषा के रूप में स्थान मिले। चार दिन चले इस सम्मेलन में 30 देशों के लगभग 120 प्रतिनिधियों ने हिंदी भाषा पर अपने अपने विचार व्यक्त किए। सम्मेलन में प्रसिद्ध समाज सेवी एवं स्वतंत्रता सेनानी आचार्य विनोबा भावे जी द्वारा भेजे गए संदेश का पाठ किया गया। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन में हिंदी भाषा के उत्थान और प्रचार प्रसार के लिए प्रस्ताव भी पारित किए गए। पहला प्रस्ताव, संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में स्थान दिलाया जाए। दूसरा प्रस्ताव, विश्व हिंदी विद्यापीठ की स्थापना वर्धा में हो। तीसरा प्रस्ताव, विश्व हिंदी सम्मेलनों को स्थायित्व प्रदान करने के लिए अत्यंत विचार पूर्वक योजना बनाई जाए। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन का परिणाम आज वर्धा में महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के रूप में देखा जा सकता है। विश्वविद्यालय की स्थापना भारत सरकार ने सन 1996 में संसद द्वारा पारित एक अधिनियम के अंतर्गत की थी। महात्मा गांधी हिंदी तथा भारतीय भाषाओं के प्रबल पक्षधर थे, इसलिए इस विश्वविद्यालय का नाम उनके नाम पर रखा जाना सर्वथा सार्थक है। भारत के केंद्र में स्थित होने के कारण वर्धा इस विश्वविद्यालय के लिए सर्वथा उपयुक्त पाया गया। महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के प्रमुख दायित्वों में से एक हिंदी को विश्व भाषा के रूप में प्रतिष्ठित करना है। वर्धा में अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना के साथ ही आधुनिक हिंदी के जन्मदाता भारतेंदु हरीश चंद्र की एक आकांक्षा भी पूरी हुई। भारतेंदु हरीश चंद्र की अभिलाषा थी, अपने उद्योग से मैं एक शुद्ध हिंदी विश्वविद्यालय स्थापित करता।
हिंदी दुनिया की सबसे प्रमुख भाषाओं में से एक है। भारत और विश्व के दूसरे देशों में इसे बोलने और समझने वालों की संख्या बहुत बड़ी है। निश्चित ही इस तरह के आयोजन हिंदी भाषा और हिंदी भाषियों को विश्व पटल पर एक महत्वपूर्ण स्थान पर स्थापित करने में सफल होंगे। विश्व हिंदी सम्मेलन की इस पहल का ही परिणाम आज हमारे सामने विश्व हिंदी दिवस है। विश्व हिंदी दिवस हर वर्ष 10 जनवरी को मनाया जाता है। हिंदी आज एक वैश्विक भाषा है। दुनिया मानने लगी है कि हिंदी सर्वत्र है। ऐसा कोई स्थान नहीं है, अंटार्कटिका में भी है। आज संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपनी सूचनाओं के प्रचार के लिए हिंदी को अपना लिया है। निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत न हिए को शूल।